वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु जी वह प्रगटयो मर्द गमड़ा वरिया मैं अकेला वाहो 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 गोविंद सिंह
आपे गुरजेला गुरु दी जे लोड होवे गुरु भी अजिहा होवे गुरु दी जे लोड होवे गुरु भी अजिहा होवे जैसे दशमेश माता गुजरी के लाल जी वार परवार देवे बच्चिया समेत सारा देश कौम उतों कुर्बान बाल बाल जी अमृत दा सोमा होवे तपदियां नूं ठार देवे संतां दा सहाई ते प्यारियां दी ढाल जी ओ सारी राती पहरा देवे आप चौकीदार हो पाप अग विचों ले सिख नूं निकाल जी कलगी वालिया तेरे स्कूल अंदर पढ़न वालिया दी लगदी फीस कोई ना जद मैं स्कूल अंदर प्रवेश होया जद मैं स्कूल अंदर प्रवेश होया पढ़न वालियां दे धड़ां ते सीस कोई ना मायनी माई मैनू कलगी धर दे पढ़न स्कूले पारे मारनी माई मैनू कलगी धर दे पढ़न स्कूले पारे मायनी माई मैनू कलगी धर दे पढ़न स्कूले पारे माईनी माई मैनू कलगी धर दे पढ़न स्कूले पारे माईनी माई मैनू कलगी धर दे पढ़न स्कूले पारे माईनी माई मैनू कलगी धर दे पढ़न स्कूले पारे माईनी माई मैनू कलगी धर दे पढ़न स्कूले पारे तर दे पढ़न स्कूले पारे मायनी माई मैनू कलगी तर दे पढ़न स्कूले पारे सिर देके जिथे मिलदा दाखला सिर देके जिथे मिलदा दाखला सिर देके सिर दे के जिथे मिलदा दाखला उथे ना लिखवा दे माई नी माई मैनू कलगी
गल तुरे कलगिया वाले दी, 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 गल तुरे कलगिया वाले दी। रसनावानी ना रहे सारे बुलंद आवाज विच गज वज के हाजरियां लवाओ, रसना पवित्र करो, सारे नाल नाल बोलण दा जतन करो। वाहे गुरु धन वाहे गुरु, 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 ऐसी कृपा कर दियो जी, ये मन नहीं मनदा मेरा कहना, ऐसी कृपा कर दियो जी, ये मन नहीं मनदा मेरा कहना, ऐसी कृपा कर दियो जी, ये मन नहीं मनदा मेरा कहना, ऐसी कृपा कर दो, ये मन नहीं मनदा मेरा कहना।
मन नहीं मनदा मेरा कहना ऐसी कृपा कर दियो जी ए मन नहीं मनदा मेरा कहना कृपा कर दियो जी ए मन नहीं मनदा मेरा कहना ऐसी कृपा कर दियो जी ए मन नहीं मनदा मेरा कहना ऐसी कृपा कर दियो जी ए मन नहीं मनदा मेरा सतगुरां दी साजी और नवाजी होई गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा सात संगत जी रसना दी पवित्रता वास्ते मन दी पूर्ण एकाग्रता वास्ते सारे गज वज के फतेह दहराओ। कोई रसना वांझी ना रहे बुलंद आवाज विच सारे हाजरियां लवाओ गज के आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहिबे कमाल सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दे खालसे दा प्रकाश पुरब मनाउण दा जतन कीता है। हर महीने दी तरह सरबत संगतां महापुरशां दे पावन और पवित्र चरणा विच जुड़ करके लाहा लैंदियां ने। दास तो पहला आप जी ने गुरु प्यारे गुरमुखां पासों कथा और कीर्तन सरवण कीता है। आओ हुण जिन्ना भी समा महाराज साहब सानू सारियां नू बख्शदे ने मन हाजिर करके मन टका के महाराज साहब दे चरणा च बैठण दा जतन करिए। अपने मन नूं महाराज साहब दे चरणां वल लाइए। संगत असी करी रही इसे करके संगत विच आई रही इसे करके साडा जिहड़ा मन है इहनूं शांति आ जाए। साडा जिहड़ा मन ए इह मालक दे रंगां विच रंगिया जावे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे प्यार विच आपां सारिआं ने रल मिल के हाजरियां भरनियां ने। जो सतगुरु उपदेश देंदे ने जो महाराज सानू वचन करदे ने जिहड़ा सतगुरु ने सानू राह विखाया उस राह ते चलण दा जतन करना। महाराज साहब अगे अरदास करनी सतगुरु साडा मन नहीं तुहाडे चरणा च टिकदा ते कृपा कर दिओ आप जी इहनूं अपने चरणा नाल जोड़ लो। जिहड़ा बंदा जिद्दां दी भी कोई मेहनत करदा है जिहड़ा बंदा जिहो जी मेहनत करेगा जिहड़ा बंदा जिद्दां दी आदत पाएगा जिद्दां दा काम करन लग जाएगा उदां उदां उंदा सुभा उंदा काम सौखा हुंदा जाएगा। साडे वर्गे लोग आपां जदों जपजी साहब पढ़दे हाँ जदों जाप साहब की बाणी पढ़दे हाँ जां कदे वाहिगुरु करदे हाँ साडा मन काला पैण लग जांदा। साडा मन ऐ हुंदा वी फटाफट बस भोग पाईए ते समाप्ति करिए मन लगता ही नहीं। हुण मन क्यों नहीं लगता क्योंकि मन नूं लाउण दी आदत नहीं पाई मन नूं महाराज दे चरणां च बौण दी कदे आदत नहीं पाई। ते सार संगत जी मन लगेगा किवें इहनूं आदत पाउणी पएगी। वेखो जिद्दां सिमरन करदा है मन भजन करदा है मन बंदगी करदा है मन पर उदों जदों असी मन नूं समां देण लग जाइए मन नूं महाराज दे चरणां च बौण लग जाइए। हुण तुसीं वेखो भी जदों बोर करदे हां आपां घरां च बोर कराईदा हुण बोर कीता है जे जिहड़े बोर करन वाले भरा ने 10 फुट पट्टन 15 फुट पट्टन 20 फुट पट्टन फिर 30 फुट पट्टन फिर कहन जी पानी नहीं मिलिया अगली धरती पट्टनी शुरू कर दें फिर 15-20 फुट पट्टन तो फिर कहन भी पानी तो मिले ही नहीं फिर अगे 20-20 फुट 30-30 फुट पट पट के भावें सारी जिंदगी लगा लैन उन्होंने सार संगत पानी नहीं कदे मिल सकता। समा तो खराब हो सकता है पर पानी नहीं जे मिलना क्यों 30 फुट से कितने पानी आता 20 फुट से पानी कितने आता है। सुनया जदों पटने आप
भी फुट तीह फुट पटिया उ पानी नहीं मिलना। ऐदा भावें एक थां की भावें हजार थां बदलन जिंदगी खराब हो जाएगी, पानी नहीं मिलेगा। पानी उदो मिलेगा जो भी फुट तीह फुट चाली फुट इको थां ते पट्टी जाणगे, इको थां ते। हुण मान लो भी साडे वर्गे कहण भी दस दिन असीं भजन करिया, पंद्रह दिन असीं वाहिगुरू करिया, साडे ते मन नहीं टिकदे, साडा ते मन कागर नहीं हुंदा। ऐं थोड़ा है दस दिन पंद्रह दिन महीना दो महीने नहीं लग्या मन, दो महीने ती नहीं लग्या मन, चार महीने ती। नित जपो, नित जपो, हर रोज जपो। तो जपद्या जपद्या जिस मालक की तलाश में फिरदे हैं, जिस मालक नू पौन दियां गल्लां करदे हैं, एक ना एक दिन उन्हें सामने आके खड़ जा। साढ़े अंदरों ही फुट पड़ा उन्हें। तो सार संग जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह प्रवचन कर दे, महाराज कहने मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मूल की पछाण कर अपने। हुण वेखो असी, मैं अज विसाखी का दिन आप मना रहे हैं, साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने जिदा का खालसा बनाया, जिदा के सिंह बनाए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, अज उदा के सिंह कितने ने? अज ओ जा खालसा कितने? अज उदा की साडे च सूरम गति कितने? अज उदा का साडे च जोश कितने, जज्बा कितने? वो पुरातन सिंह सी जेडे चरखड़ियां ते चढ़ गए, खोपरियां लुहा गए, आरियां नाल तन चरवा गए, साडे तो कित्थे खड़िया जाना? असी असी नहीं महाराज के बचना ते पूरे उतर सकते, ना ना, साडे कोल भजन नहीं, बंदगी नहीं। हुण बाबा दीप सिंह जी ने सिर तली ते धर के लड़े, बाबा बंदा सिंह बहादुर के पुत्र का दिल कट के उन्हें मूँह च पाया जाता है, भाई मणि सिंह का बंद बंद कटिया जाता है, मुखों सी नहीं उचारी कादियां पावर की सी उन्हां कोल सी अमृत, उन्हां कोल सी नाम, उन्हां कोल सी बंदगी, उन्हां कोल सी इबादत। ना साडे कोल इबादत रही, ना भजन रहा। असी लोग सिर्फ इन्ना क जानते हैं भी कृपाण पाली, कड़े पा लए, केस रख ले, दस्तारा सजा लिया, ये सिखी, ये सिखी नहीं। ये तो साडा दाखल है गुरु नानक दे घर च, गुरु नानक दे घर च दाखला लेना। असी चल के आने मारे पंज प्यारे अमृत की दात देंदे, श्री साहब पा लो, दस्तार सजा लो, साडी यूनिफॉर्म वर्दी, पर सिखी तो इदों गां दी मंजल है, ये सिखी नहीं। सा जिहड़े बंदे ने कृपाण पाई, जिहड़े बंदे ने दस्तार सजाई, जिन्हें चोला पाया, वह तो अपने नाल दूजिया नू बंदा ही नहीं समझदा अज दे समय च। वो कहना मैं ही महापुरुष हाँ, मैं ही सब तो वड्डा बाबा, मैं ही सिंह हाँ गुरु गोबिंद सिंह का। खालसा जी गुरु जदों पंज प्यारे अमृत छकाउंदे ने, जदों अमृत की दात देंदे ने, वो ये गल कहिंदे ने तू कलगीधर सच्चे पातशाह का पुत्तर बन गया, माता साहिब कौर की गोद का शिंगार बन गया। जिथे तू रहत मर्यादा का धारनी होना है ना, उथे एक गल चेते रखी, साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का खास रूप पंज प्यारे ये समझाते, कहिंदे नाल शब्द की कमाई करी, नाल शब्द की कमाई करी, महाराज ये समझाते। बंदगी जे रोटी खावांगे, भोजन करांगे, तो शरीर तन बलवान होएगा, तन नू एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, जे भजन करांगे तो फिर मन बलवान होएगा। साडे मन ते इन्ने इन्ने होए पए ने, संगत विच आके भी टिकदे ने, भजन नहीं। इस करके पढ़े उतारना हो मन खोटे वसा नहीं हो तेरा, कौटियां ते फिरे डोलदा, मन खोटे ओ।
ਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮਨ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਭਾਵੇਂ 10 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਛਕੀ ਜਿਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਸ, ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰੀ ਜਾਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਢ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਈ। ਸਿੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਧਰੀ ਮਨਾ ਪੈਰ ਸੋਚ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਧਰੀ ਮਨਾ ਪੈਰ ਸੋਚ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਧਰੀ ਮਨਾ ਪੈਰ ਸੋਚ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਕੱਲਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਬਾਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਨ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕੀ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਵੇਂ 12 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ।
जिदा दे महाराज नू सिख चाहिए ने साडे चो ते एक भी नहीं निकलना। मैं कई बार सोचता हूं ना भी अज चरखड़ी चल जाए, जे चरखड़ी अज चले साडे चो किन्ने होणगे चढ़न वाले चरखड़ी, एक भी नहीं निकलना। जे कसवटी साडी जिंदगी च कोई कसवटी लग जाए महाराज ला देन, असी ते उह नहीं चल सकते। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਜਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ, ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਲਾਦ? ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਕੂਆ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਗੱਲ ਡਰ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਮੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ। ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗੁੱਟ ਦੇ, ਬੰਦ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਮੇਰਾ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਕੱਟ ਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਬਾਬਾ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਫਟਾਫਟ ਕਰਕੇ ਵੱਢਾਂਗਾ, ਛੇਤੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸੀ, ਮੁੱਖੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ। ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਹ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਰਹਿ, ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੱਟੜਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਕੱਟੜਤਾ ਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਕਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜਦੇ ਗੱਜਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ? ਮੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਵ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਕਣਕ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ ਜੀ ਜਲੀ, TRP ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ, ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਰੱਖੇ ਲਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੜਦੇ ਕੱਜਦਾ ਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੜਦੇ ਕੱਜਦਾ ਏ, ਰੱਖੇ ਲਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੜਦੇ ਕੱਜਦਾ ਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੜਦੇ, ਰੱਖੇ ਲਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੜਦੇ। ਰੱਖੇ ਲਾਜ ਵਾਹੇ
सतसंग जी हमेशा धर्म ने जेडे हमेशा सिखी जेडी ये प्यार नाल अगे वधदी है। धर्म ने जेडे किसे नू जलील कर कर नहीं, कोई कोई किसे दे केस कतल कीते किसे दी दाढ़ी ते वाल नहीं, कोई दाढ़ी कटाउंदा है जे संगत विच आ जाए साडे वर्गे प्रचारक जलील कर कर की मार दिंदे ने। ये ते किसे गिणती जी, ये ते सिखी सिखी असी जे बार बाणा है ते अंदर बाणी होवे कलियां कट्टड़दाइयां नाल रब नहीं मिलदा। अमृत छक के शब्द की कमाई करके जिस गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों च जुड़े हाँ उस गोबिंद विच अभेद होना है। असी जिउंदे जी मरना सीखना है, इत्थे सानू सिखाया जाता है पहला मरण कबूल जीवन की छड़ा। किन्ने क मर गए आपां, किन्ना क साडे जीवन च असी जिउंदे मरना पैंदा है फिर गुरु नानक दे घर दी प्राप्ति। आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान, आपा भेट करना पैंदा है समर्पित करना पैंदा है। ते मैं तुहाडे चरणां च बेनती करदा, विसाखियां बहुत मना लिया, गुरपुरब बड़े मना ले, गुरु नानक साहब का दसवें पातशाह का शहीदी दिहाड़े बहुत मनाया है, पर साडे दिलां ते असर कोई गल उदों बननी जदों उन्हां दे दसे हुए राह ते चलना है। गल उदों बननी, अच्छा सारी गल दा नचोड़ की गुरुद्वारे भी जाओ कादे वास्ते, फतेहगढ़ साहब चले जाओ, आनंदपुर साहब चले जाओ, हरिमंदर साहब चले जाओ, कादे वास्ते मत्था टेकिया पैसे भेट कीते रमाला चढ़ाया करो करी। ओ गुरमुखो ये ध्यान ला के वेख्या करो, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज सृष्टि के मालक ने मालक जिन्हों ने गुरबाणी मन करके पढ़ ली ना, गुरु नानक के वचन करके बाणी पढ़ ली, उन्होंने जीवन निहाल हो गए, जिंदगी उन्होंने निहाल हो गई। सानू पढ़द्या भी साल हो गए, सानू सिमरन करद्या भी साल हो गए। वो गुरमुखो असी कितने खड़े, साढ़े मन से असर क्यों नहीं, साढ़े मन क्यों नहीं रंगे गए। जे कहीए भी गुरबाणी च घाट है ना, गुरबाणी ते तीन काल सत, गुरु च घाट गुरु भी संपूर्ण है, साडे च घाट अपने मन दा। सतसंग जी वेद किताब बथेरे पढ़ ले, हो कदे अपने आपनू पढ़िया ही नहीं, बुल्ले शाह वे टूट दिया फड़दे, जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। रोज गल्लां करदे आ जी फलाना इदा फलाना इदा, जेड़ा अंदर बैठा ओनू फड़न की कोशिश की थी।
पढ़ी चलो गुरबाणी, पढ़ी चलो पाठ, करी चलो सिमरन, असर एक डके दा नहीं। क्यों? मन नहीं लग्या। मन नू समझाउणा है, मन नू चार्ज करना है, इत्थे आके आनंद लैणा है, आनंद मंगना है। तो गुरसिख का जीवन की, भावें गुरसिख के सिर ते मौत आ जाए। सिख किदां दा बनाया महाराज ने, जिदण सिख का जन्म हुंदा है, सुनियो, जिदण सिख का जन्म होएगा उदण भी आनंद साहब पढ़िया जाता है खुशी वजो। गुरसिख उदण भी कहिंदा है आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, जिहड़ा गुरसिख है। जिदण विआह हुंदा है, विआह संस्कार, एक जन्म संस्कार, एक विआह संस्कार, जिदण विआह होएगा उदण भी पढ़िया जाएगा आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, उदण भी आनंद च। जिदण जम्मिया उदण भी, जिदण विआह होया उदण भी, ते जिदण तेरे घर चों तेरी लाश जाएगी उदण भी पढ़िया जाएगा आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सिख आउंदा भी आनंद च, रहिंदा भी आनंद च, ते जांदा भी आनंद च। ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕੀ? ਸਿੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੀਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਵਾਰਸ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੀਸ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 10-15-20-50 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੀ। ਦਰਦ ਬੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਪਛਾਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੀ ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਇਕੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੀ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤਿਆ ਆਉਣ ਦੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਣ ਦੇ, ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਾਂਗਾ, ਐਸਾ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, 1, 2, 4, 5, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਖੜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਛਾਣ ਖੱਪ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਖੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਦਿਸੇਗਾ ਵੱਖਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਤਿਆ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸੇਗਾ ਨਿਆਰਾ, ਨਿਆਰਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਐਸਾ ਮੈਂ ਸਜਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ।
पछाण वक्री हो, फप वक्री होएगी। सतबचन महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज गोबिंद राय जी उस वेले आखन लगे 1699 की विसाखी मनानी आनंदपुर साहब 1699 की विसाखी मनानी है। कहिंदे स्नेहे भेजो गुरु नानक साहब महाराज के चरणों तो लैके हुण तक जिन्नियां संगतां महाराज के घर नूं मनदियां ने जिन्ने सिख ने सब नूं स्नेहे भेजो इस वेले विसाखी ते आनंदपुर साहब आओ। कहिंदे सतबचन महाराज तैयारियां करो विसाखी दियां। उस वेले कहिंदे सुनेहे भेजने शुरू कीते, सूईयां राही चिट्ठियां भेजियां, पत्रका भेजे, सुनेहे लाए गोबिंद राय जी दे वी भाई महाराज ने बुलाया आनंदपुर साहब की धरती ते। महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह गोबिंद राय जी ने बुलाया, घरों घरी सुनेहे पहुंचे तो संगत तैयारी कर लग पियां भी जावांगे ऐतकी विसाखी मनावांगे आनंदपुर साहब। कहिंदे बुलाया क्यों, अगे तो सारे अपने आप ही जांदे सी, पर महाराज ने बुलाया क्यों, कोई खास सुनेहा होएगा, कोई खास प्रोग्राम होएगा, क्यों बुलाया है। कहिंदे जदों विसाखी 1699 की विसाखी का दिन आया, कच्चे राह सी, पग डंडियां संगतां मंजलां मार दिया होईयां, रस्ता तय कर दिया होईयां, आनंदपुर साहब पहुंच रही ने। एक जथा आउंदा है, दूजा आउंदा है, तीजा आउंदा है, दूरों दूरों जिथे जिथे गुरु नानक दियां संगतां रहिंदियां है सारे पासों संगत आई महाराज के चरणों च। कहिंदे शमियाने लगे बड़े वड्डे, बहुत वड्डा पंडाल सजिया, बहुत वड्डा, संगतां आईयां दूरों दूरों, कलगी धर गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दीदार करने ने। कहिंदे 1699 की विसाखी का दिन आया तो साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज की स्टेज लाई गई, उन्हें ते आसन लाया गया, महाराज ने एक तंबू लवाया स्टेज ते। उन्हां वेलिआं च दूर दराडियां तो संगतां चल के आईया, 80,000 बंदे का कट होया उस वेले, 80,000 बंदा, इन्ना वड्डा कट, 80,000 का कट, दूरों दूरों लोग आए ते कहिंदे बह के पंडाल च बैठे ने दरबार च गुरु गोबिंद सिंह महाराज की उड़ीक कर दियां संगतां। महाराज कलगीधर जी ने आना है संगतां नूं दर्शन देने ने, संगत उड़ीक दी है कदों गुरु गोबिंद सिंह गोबिंद राय महाराज आउण, कदों दर्शन करिए, कदों मन दियां बेनतियां करिए, पटावां रखिए, उड़ीक कर दी संगत। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कदों आउणगे, संगत बैठी महाराज हुण भी आए, हुण भी आए, विचों संगतां प्यार नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं बुलाउंदियां ने, कलगियां वालिया दर्शन दे, दीदार दे। संगत पुकारे वाजा मारे वाजा वाले नूं, संगत पुकारे वाजा मारे वाजा वाले नूं, नीले ते सवार हो गया जो मेरे के भी नीले ते सवार हो गया।
संगत पुकारे दर्शन हो जान उड़ीक कर दिया संगता सार संग जी धन गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह महाराज मेर कर दियो ददार हो जान तुहाडे कहिंदे गर्जवी आवाज विच एक सिंह बोलदा है संगत बैठी है वो सिंह बोलदा है साहिबे कमाल सतगुरु गोविंद राय के ना संगत विच तशरीफ लेके आ रहे ने महाराज जदों संगतां ने सुनिया महाराज आ रहे ने वाह वाह कलगीधर गुरु गोविंद सिंह महाराज तुरे आउंदे ने ते संगतां प्यार वेच जोटियां बना बना शब्द पढ़ दिया ने लश्कारे पैंदे चक्रां दे लश्कारे पैंदे संगतां नमस्कार करन वास्ते सिजदे करन वास्ते लोचदियां ने कहिंदे जदों अज महाराज आए ना
गुरु गोबिंद सिंह महाराज का अज तेज चलिया नहीं जाता, प्रताप चलिया नहीं जाता, महाराज दिया नजरां च नजरां नहीं पैंदियां। इन्ने वीर रस विच कलगिया वाले वीर रस विच सरसंग जी संगतां सोचदियां भी महाराज कलगी धर गुरु गोबिंद सिंह अगे ते कदे नहीं वेखिया। सार संग जी लाल सुरख नेत्र महाराज दे नेत्र लाल ने वीर रस विच महाराज एक दूजे अल सारे वेखते कहिंदे गोबिंद राय जी नूं जदों अगे दर्शन करदे सी इस रूप च नहीं वेखिया, पर अज की हो गया, अज तेज चलिया ना जावे वाजा वाले सतगुर दा तेज चलिया ना जावे वाजा वाले सतगुर दा तेज चलिया ना जावे वाजा वाले सतगुर दा अज तेज चलिया ना जावे वाजा वाले सतगुर दा अज तेज चलिया ना जावे वाजा वाले सतगुर दा अज तेज चलिया ना जावे वाजा वाले सतगुर दा। बोलो संगत सिंह जी उस वेले महाराज गोबिंद राय जी प्रवचन करन लगे सतगुरु महाराज कहिंदे संगत जी बड़ी दूरों दूरों चल के तुसी आयो तुहानू बुलाया गया अज कलगिया वाले कहिंदे ने कहिंदे तुसी गुरु नानक तो लैके हुण तक मेरे तक तुसी बड़ा कुछ मंगिया गुरु नानक दे घर तो तुसी बड़ा कुछ मंगिया हुण तक मंगदे ही आए संगतां कहिंदियां जी महाराज तुसी बड़ा कुछ मंगिया है पर अज मैं तुहानू इत्थे कठिया कीता है अज मैं मंगांगा अज मैं मंगांगा। गोबिंद राय गुरु नानक तो लैके हुण तक सिखिया है सिख्या लई है पर अज मैं परख करनी तुहाडी अज मैं मंगांगा। संगत हाथ जोड़ के कहिंदी महाराज है ही सारा कुछ तुहाडा साडा ते है ही कुछ नहीं सब कुछ तुहाडा महाराज मंगो की मंगदे हो। हुण आपस विच सारे गल्लां करदे कहिंदे जे महाराज ने घोड़ा मंगिया ते असीं लिया दांगे घोड़ा मंगिया महाराज ने जे महाराज ने कलगी दी मंग कीती मैं चढ़ा दूं बड़े सिख सी उदों जे महाराज ने हाथी मंगिया ते रल के हाथी चढ़ा दांगे जमीन मंगी असी धन मंगिया माया मंगी जो मंगणगे महाराज नूं दे देंगे गल ही कोई नहीं है ही सारा कुछ महाराज का आपो अपनियां व्यवस्थां बणाउंदे ने आ मंगिया दे दांगे। सतसंग जी कलगियां वाले कहिंदे अज मैं मंगांगा संगत कहिंदी महाराज मंगो की मंगदे हो की चाहिए साडा तो है ही नहीं सब कुछ तुहाडा ही है। महाराज हुक्म करो एक बारी हुक्म करो मंगो की मंगदे जे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे अपनी म्यान चो तलवार कढ़ी उस वेले म्यान चो तलवार कढ के गोबिंद राय जी आखन लगे कहिंदे 80,000 दा कट है अज मैनू एक सिर दी लोड़ है। बोलो श्री वाहे गुरु एक सिर दी लोड़
सारे पंडाल सन्नाटा छा गया, चुप हो गए सारे। सिर मैनू एक सीस चाहिए है, कहिंदे गुरु गोबिंद महाराज हो गया। अगे ते इहो जी मंग कदे नहीं कीती, अज मेरी तलवार एक सीस मंगदी है। उठे कोई तुहाडे चो सिख ते सीस करे भेटा, सिर दी भेट लैके आवे। सब दियां नीवियां पै गईयां। जिहड़े कहिंदे सी ना घोड़े चढ़ा दांगे कलगियां, उह कहिंदे आपां ते होर ही को सोची गए भी जो मंगणगे दे देंगे। महाराज ने मंग की लिया, एक ही मंग लिया। सतसंग जी पहली आवाज मारी, कोई नहीं बोलिया, सन्नाटा छा गया, चुप कर गए सारे। दूजी आवाज महाराज ने मारी, कहिंदे हुण तक पढ़ते सुनते आए हो, हुण तक सिखते आए हो, गुरु नानक तो लैके हुण तक मंगते आए हो, अज मैं मंग की तो कोई भी नहीं उतरिया, तुहाडे चो एक भी सिख नहीं। उठो एक सीस कहते। जो दूजी आवाज मारी फिर उठाया सी लाहौर दे रहन वाला दया राम, गल विच पल्ला पाया, हाथ जोड़े, कहना महाराज सच्चे पातशाह मेरा सिर हाजर है, पहला तो मैनू माफी दो भी तुहाडी पहली आवाज ते उठाया नहीं। महाराज सारा कुछ है ही तुहाडा, चाहे मारो चाहे रखो जो मर्जी करो, सतगुरु मेरा सिर हाजर है। कलगीधर कहिंदे कहिंदे मैं परख नहीं करदा। महाराज कहिंदे जे तुसी समझो भी मजाक करदा जां परख करदा, परख नहीं, जे सिर कहिया ते लैणा है सिर, सिर वढ़ना है मैं। महाराज कहिंदे है ही नहीं साडा। भाई दया सिंह कहिंदे महाराज भेद की है, तुसी सिर दी मंग क्यों कीती, ऐडा कट। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह उस वेले आखन लगे दया भाई दया रामा, अज मैं इतने 80,000 का कट इस करके बुलाया महाराज, तुसी सिर दी मंग कीती क्यों? कलगीधर बोलदे ने बब्बर शेरा नू अज पैदा करना पिता वाजा वाले ने, बब्बर शेरा नू अज पैदा करना पिता वाजा वाले ने, बब्बर शेरा नू अज पैदा करना पिता वाजा वाले ने, बब्बर शेरा नू अज पैदा करना पिता वाजा वाले ने, बब्बर शेरा नू अज पैदा करना पिता वाजा वाले ने, बब्बर शेरा नू अज पैदा करना पिता वाजा वाले ने, बब्बर शेरा नू अज पैदा करना महाराज। कहिंदे चटकाया सिर इक्को वार विच,
सिर धड़ तो जुदा किया। उस वेले महाराज कहिंदे खून नाल लिबड़ी तलवार, खून नाल लथपथ तलवार लैके स्टेज ते आके खड़ गए। जदों वेखिया सब ने कहिंदे ते सचमुच भाई दया राम महाराज ने सिर, महाराज कहिंदे दूजी बार आए कहिंदे एक सिर होर चाहिए, आवाज लाई उठो कोई एक सिर चाहिए। कहिंदे हुण की करिए, कौन उठे? 80,000 दे कठ चो अद्धा पंडाल रह गया, विच साडे वर्गे भी बड़े सी उदों, कोई ना आया, भज गए सारे, डर गए ये ते सिर वटन लग गए गोविंद राय जी। ते दूजी आवाज मारी, फिर उठिया सी धर्मचंद, गल च पल्ला पाया, हाथ जोड़े गल च पल्ला पाया, महाराज मेरा सिर जरे। महाराज लैके गए धर्मचंद नू अंदर, गए जिवें भाई दया राम का सिर धड़ तो जुदा किया, वारिया भरमा वार दूजा सिर धड़ तो जुदा करके फिर आ गए। महाराज कहिंदे एक सिर होर चाहिए। भजे गए लोग, संगतां भजियां गई। माता गुजर कौर जी नूं कहिंदे माता जी तुहाडा लाल की करन लग पिया? माता जी कहिंदे की होया? माता जी तुहाडा लाल वेखो ते सही, पहला भाई दया राम का सिर उन्होंने धड़ तो जुदा किया, नाल भाई दया राम का सिर धड़ तो जुदा किया, धर्मचंद का सिर धड़ तो जुदा किया, तुहाडा लाल ते आईया संगतां नूं मारन लग पिया, तुहाडा लाल आईया संगतां नूं मारन लग पिया, माता जी समझाओ अपने लाल नूं जाके। मां गुजर कौर आखण लगी ओ भोलिओ तुहानूं भुलेखा है, मेरा लाल मारदा है? नहीं नहीं, मेरा लाल मारदा नहीं, वो ते तारदा है। बोलो श्री वाहे गुरु। मेरा लाल मारदा नहीं, तारदा है, तार दे ने। महाराज ने दूजा शीस लिया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह, कलगी धर गुरु गोबिंद सिंह महाराज, वारी वारी तीजा सिर मंगदे वारो वारी। फिर भाई हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह, पंज प्यारे जदो हो गए, पंजां दे सिर धड़ तो जुदा कीते, पंजां दी चोण कीती, उदो बाद फिर कई जने उठ पे। महाराज साडा सिर किने ना, बस पंज जाई रहे सी, अंदर लैके गए सतगुरु गुरु गोबिंद राय जी ने, सिर धड़ तो जुदा किते, खून दे फुहारे वह तुरे। सर संग जी उस वेले कहिंदे उन्हां नूं किसे दा धड़ किसे दा सिर, किसे दा धड़ किसे दा सिर, एक पासे ते सिर धड़ तो जुदा करते, दूजे पासे सतगुरां ने अपनी जाहल कला वरताई, कहिंदे ओवें जिवें पंज प्यारे उठ के खड़े हो गए, खड़े होए उन्हां नूं ककार पवाए, उन्हां नूं श्री साहिबां बनाईआं, उन्हां नूं खड़े पवाए, पंज ककियां दे धारनी कराया, बाणा पवाया, दस्तारा सजाइया। वो गुरमुखो जदों ऐन त्यार पर त्यार हो गए, सतगुरां ने सरबलोह दा बाटा लिया, गुरमुखो सतलोज दरिया दा जल पाया, विच खंडे दी धार फेरी, ते कलगी धर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पंज बाणियां पढ़िया, अमृत तैयार किया। अमृत तैयार करके वीर आसन विच अमृत तैयार करके फिर पंजां नूं महाराज ने अमृत दी दात दित्ती। पंजां नूं ओ कहिंदे ऐसा अमृत, ऐसा अमृत, जदों कहिंदे भाई दया राम मुखड़े च अमृत पाउंदा है, कहिंदे अंदरों अमृत चोना शुरू हो गया, मस्तक विच अमृत पिया, कपाट खुल गए, ब्रह्म ज्ञान दी दात देती भाई दया सिंह नूं, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह, खालसा तैयार किया। ते जदों कहिंदे अमृत छकिया ना, उन्हां नूं भी बोलना पै गया, वो पता नहीं कि बाटे च घोल के पिया गया,
पंज प्यारे एन तैयार पर तैयार करके महाराज ने जदों स्टेज ते लैके आंदे इन्हें संगत ने जकारे छड़े खालसा सचिया इन्ने सोने लगन ते धन गुरु गोबिंद सिंह गोविंद राय महाराज कहिंदे अज तो बाद पहला चरणा अमृत की मर्यादा सी पर हुण नहीं हुण खंडे बाटे दे अमृत की मर्यादा जिन्हें सिख बनना है खंडे बाटे का अमृत छके लाजमी हर एक सिख नूं जरूरी कीता ते उस वेले कलगीधर सच्चे पातशाह आखण लगे भाई दया सिंह पंज प्यारे ने कहिंदे भाई दया सिंह जी मैं तुहाडे अगे बेनती करनी महाराज गुरु कदे बेनती नहीं हुक्म ही करदा हुंदा है सतगुरु हुक्म लाओ कहिंदे जिद्दां मैं तुहानूं दया राम तो दया सिंह बनाया है कृपा कर दिओ मैनूं भी अमृत छका के गोविंद राय तो गोविंद सिंह बनाओ पहला महाराज दे नाम नाल सिंह ना सी लगदा गोविंद राय कहिंदे मैनूं सिंह सजाओ अमृत की दात बख्शो भाई दया सिंह जी आखण लगे कहिंदे महाराज जी असी अमृत लिया असी तुहानूं अपने सिर दिते ने सिर की भेट दिती असी सिर भेट चढ़ाया महाराज तुसी की भेट दोगे तुसी की भेटा करोगे सच्चे पातशाह आखण लगे कहिंदे मेरा भी सिर हाजर है हुक्म करो मेरा भी सिर हाजर है अमृत सिंह बना दिओ बस भाई दया सिंह जी आखण लगे महाराज गुरु भी मुरीद भी सिर देण से असी सिर ते असी दिते ने सिख भी सिर देवे ते गुरु भी सिर देवे गल सोभदी नहीं भाई दया सिंह जी नूं आखण लगे महाराज कलगियां वाले कहिंदे दया सिंह जी एक बारी गोविंद राय तो गोविंद सिंह बना दिओ एक सिर दी केड़ी गल कर दिओ मैं सिख पंथ तो अपना सारा सरबंस भेटा कर दिया मैं सिख पंथ तो अपना सरबंस भेटा कर देंगा सतगुरु गुरु गोविंद राय जी फिर उसे मर्यादा अनुसार अमृत छकाया ते अमृत छका के सरसंग जी कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज गोविंद राय न गोविंद सिंह बनाया ते जे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह ने ऐसा अमृत ऐसा बाणा अपने खालसा बख्शा कलगीधर सच्चे पातशाह कहिंदे जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज देऊं मैं सारा जब ए गह विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रति कलगीधर सच्चे पातशाह दिता खालसा जी अपना तेज तेनू सारा खालसा सजाया कला वजन नहीं किया सारा सरबंस भेट गुरु गोविंद सिंह महाराज ने साडे तो किया है एक होर चेता रखियो 1500 साल मुगलों का राज रहा हिंदुस्तान से किसी च हिम्मत नहीं हुई छुड़ा की यह साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह ना कहूँ अब की ना कहूँ अब की बात कहूँ मैं अब की अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुनत होती साहब एक गल पक्की दिल च बसा लो एक गल कदे बच्चियां तो लैके बुजुर्गों तक भुलनी नहीं चाहिए वाजा वाला जे नहीं रे वारदा वाटा वाला जे नहीं रे बारदा
ਸਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੇ ਵਾਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬਿਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਾ ਛਕੋ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਵਾਰੀ ਛਕੀ ਚਲੋ ਐਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿਰਪਾਨ ਕੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਕੇਸ ਬਾਣਾ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ 90% ਲੋਕ ਵਪਾਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ 80% ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲਿਆਇਆ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਈਏ ਰੱਖੇ ਕਿਹਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ 500 ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਲੋ ਜਾਓ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਓ ਕਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿਓ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਓ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਧਾਰਨਾ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਦਵਾਰਦਾ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਦਵਾਰਦਾ
नचना आनंदपुर कोई, मेरा बेचना आनंदपुर कोई, आवा जावा तेरे वास्ते, मेरा बेचना आनंदपुर कोई, आवा जावा तेरे वास्ते, बेचना आनंदपुर कोई, आवा जावा तेरे वास्ते, बेचना आनंदपुर कोई, आवा जावा तेरे वास्ते, मेरा बेचना आनंदपुर कोई, आवा जावा तेरे वास्ते, मेरा बेचना आनंदपुर कोई, आवा जावा तेरे वास्ते, अपनी जिंदगी सफल बनाइए। मेहर करन जितना आपां गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल प्यार पा लिया, सर संगत जी सतगुरु अगों इतना को प्यार करते ने असी सोच भी नहीं सकते। संगत चरणा च बेनती है, महाराज साहब के चरणा नाल प्यार बनाइए, व्यापार ना बनाइए, मतलब वास्ते गुरु नूं ना वरतीए, सर संगत जी गुरु नाल स्नेह पाइए। मेहर करन महाराज सतगुरु मेहर करन कलगी धर सच्चे पातशाह सारी संगत की हाजरी अपने दर ते प्रवान करन। महापुरशां दा बहुत लंबे समय तो हुक्म सी हाजरी भरन दा, पिछली पूर्णमाशी फिर उदों पिछली पूर्णमाशी उदों पिछली छे महीने लंघे ऐ करदे आ, आवांगे 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 महाराज, ऐतकी बाबा जी ने कृपा की अपने चरणा च हाजरी भराई है। 3 मई नूं फिर इत्थे स्थान ते समागम है, तुसीं सारे वध चढ़ के हाजरी भरनी, उदों आपां लाहे लवांगे 3 मई नूं 20-25 दिन दे विच सारे रल मिल के। एक मैनूं हुक्म होया धारना पढ़न दा, आओ धारना बहुत ने पर थोड़ियां थोड़ियां पढ़ के मैं दो दो लाइनां सब दियां सुणा के समाप्ति करां। गुरु गोबिंद सिंह वरगा गुरु गोबिंद सिंह वरगा ना
सोनी कलगी वालिया में कहनिया 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 वालिया में कहनिया सोनी कलगी वालिया में कहनिया रख चरना दे नाल चरनी पैतिया रख चरना दे नाल चरनी अपने चरणा नल लाई रखन जिना जिना महाराज के चरणा नल लाइया सतगुरां ने नवा दितियां कृपा करन साड़ी भी महाराज नवा दे मेहर करन सच्चे पातशाह आओ गजबज के महापुरशां दे प्यार विच इक तारना हुक्म होया पढ़न दा ना छेड़ फकीरां वो फकर फकर हुंदे महापुरश सानू जिंदगी दा उपदेश देंदे ने रब रंगियां रूहां साडे जीवन विच मार्ग दर्शाउंदियां रहण असी उन्हां दे लक्षे कदमां ते चल के अपना जीवन सफल करिए तन महापुरशां दे पावन पवित्र स्थानां ते तुसी सारे जुड़ के बैठे हो ए ओ दर है ए दर फकीरां दा इत्थे मंगण आउंदे राजे Come on.
ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਨਵਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਈ ਜਹਾਨੀ ਚੱਲਦੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖੁਦ ਵਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਭਜਨ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਤਬੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਕੀਰੀ ਖੱਟਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਨ ਕੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜਾਂ ਪਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੇ, ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ, ਪਰ ਫਕੀਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਦੂਰ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ ਸੰਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ, 90% ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਦੂਰ ਨੇ। ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਰੰਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਰ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਜਦੇ। ਕਦੇ ਫਕਰ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਛੇੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕੱਠੜੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬੋਲੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਹੋ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਓ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮਥਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਓ,
धन्यवाद। इत्थे रहण वाले महापुरशां दा, गुरमुखां दा, विहंगमां दा, सब दा बहुत बहुत धन्यवाद। साडे सत्कारयोग महापुरश बाबा जगतार सिंह जी लोहरा साहिब वाले आए ने, उन्हां महापुरशां दा बहुत बहुत दिल दियां गहराइयां तों दास धन्नवाद करदा है। हर वारी जदों इधर लाके जाईदा है बाबा जी बहुत प्यार बख्शदे, बहुत असीसां बख्शदे ने। साधुआं सतपुरशां दीआं महापुरशां दीआं असीसां नाल ही तुरे फिरदे आ। असीसां देण वालियां दी भी घाट नहीं ते सार संगत जी सुटन वालियां दी भी घाट नहीं। गरीब नवाज कृपा करन, इस तरह महाराज अपने दर घर की सेवा करवाउंदे रहन। साडे सत्कारयोग वीर मिलन जोत सिंह जो शेरपुर धूरी तों वह आए ने, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हिया संगत आईया ने महापुरशां दा, गुरमुखां दा, सारिआं दा करोड़ां वार धन्नवाद। बस ये जिन्ना सुनिया उन्हों कमाउण दा जतन करिए। खालसा गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया है तो खालस बनिए, गुरु गोबिंद सिंह दे सिख बनिए, मेहर करन महाराज। बाकी रहिंदियां धारना आपां 3 मई नूं पढ़ांगे। गज वज के आप जी ने सारिआं ने हाजरियां भरनिया। आओ हुण आओ श्लोक पढ़ के नाल ही समाप्ति करिए। अगला प्रोग्राम फिर आप जी ने प्रबंधकों पासों सरवण करना। श्लोक पवन गुरु पाणी फतेह।